स्टिक क्रिकेट पर हमने अब ये तीसरा सीज़न स्टार्ट होने लगा है जब से ये रिफॉर्म हुआ है रिफॉर्म का मतलब ये कि छः टीमें सेट हुई उन छः टीमों की फ़र्स्ट लेवन् बनी सेकेंड लेवन्स बनी अंडर नाइनटीन बनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और उसका आगाज़ हुआ और अब इस दफ़ा तो थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल पे जा रहे हैं सिटी क्रिकेट एसोसिएशन सेटअप हो रही हैं वो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है लेकिन पहला सीज़न हमने देखा पहले दो सीज़न में हमने बल्कि अपने शो में पहले एनालिसिस भी कर चुके हैं कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैड इम्प्रूवड एज़ फार एज़ दिचज व कंसर्न एज फार एज द बॉल्स मतलब ऑब्वियसली बात है कोकोबरा चल रहा था उसमें हमने देखा कि लंबी बारियाँ डली yeah. लेकिन हमने पहले साल के बाद भी देखा कि जो विनिंग कोच था एक रीजन का वो रिप्लेस हो गया इस साल हम देख रहे हैं कि इंटरनल ट्रांसिज़ इतनी ज़्यादा हुई हैं कि अगेन इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक हिट अ रीसेट बटन और अभी तो आपको मैं बताता चलूँ इन रीजन्स के दरमियान में भी ट्रेडिंग होती है उन ट्रेड्स का हमें तो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई है बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन दर्किट इन द सर्किट लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक उस पर बात करना अभी भी वक्त होगा तो रेहान वॉट इज़ योर टेक ऑफ देम जस्ट शफलिंग दर कोचेज़ एवरी सीजन देखिए मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि हम जब भी बात करें तो उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट लेके आएँ लेकिन जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पॉजिटिव चीज़ें आपने पॉइंट आउट ऑलरेडी कर दी हैं पिचेस हैव बिकम ड्रास्टिकली बेटर जो बॉल यूज़ हो रही हैं ग्रेस की बॉल या कुकुबरा यूज़ हो रही हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको आसानी होती है उसकी वजह से लेकिन uh, डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या पर्पज़ है डोमेस्टिक क्रिकेट का पर्पज़ है कि आपने एक ग्रुप ऑफ़ प्लेयर्स क्रिएट करने हैं वो आर गुड अनफ कि जब आपकी इंटरनेशनल टीम को जरूरत हो तो वहाँ तक पहुँचें ये आपकी फ़र्स्ट ईयर डोमेस्टिक का काम है आपकी सेकेंड ईयर डोमेस्टिक जिसको आप बी टीम्स कह रहे हैं उसका काम है कि जो लोकल टैलेंट है उसको लेकर ऊपर आया जाए और वहाँ कहाँ से आएगा अंडर 19 से आपने कहा अंडर 19 सेटअप हुई या ये हुई अंडर 19 या क्रिकेट एसोसिएशन सेटअप होने में इतना टाइम लगा एक साल से ऊपर हो गया अब जाके ऊर अभी भी आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह काम करेंगे इसके बाद अगर आप आ जाएं कोचेस को स्विच करने में अगर एज़ अ प्लेयर मैं एक अंडर 19 प्लेयर आ रहा हूँ नई टीम के अंदर इवन अंडर 25 जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने पिछले साल अपने कोचेस को कुछ प्रूफ किया कि आई एम गुड एन आफ मुझे आप इस टीम में खिलाएं मेरी जगह बनती है स्पेशली uh, एग्जांपल मैं सेंट्रल पंजाब की दूंगा कि सेंट्रल पंजाब का जो आइडिया था कि सेंट्रल पंजाब ने कायद आजम ट्रॉफी के अंदर डिस्पाइट अ वेरी पोअर स्टार्ट टू अप शेयरिंग द ट्रॉफी जब मेन मैचेस आए थे तो ना बाबर आजम थे yeah. ना अजहर अली थे बाबर अजम नहीं थे अजहर अली नहीं थे नसीम शाह नहीं थे और जो बाकी बहुत मेजर नेम्स जो हैं उनको स्क्वाड में जगह नहीं मिली जो कि कामरान अकमल फॉर एग्जांपल उनको काजाजम ट्रॉफी के अंदर नहीं वो उस तरह खेले उसकी वजह उन्होंने एक प्लेयर्स आइडेंटिफाई किया कि इन प्लेयर्स के साथ मैं फ्यूचर अपना डेवलप कर सकता हूँ आप वो कोच के साथ प्लेयर्स का एक कम्फर्ट लेवल हुआ वो कोच से सीख रहे हैं एक सिस्टम डेवलप हुआ आपने क्या किया आपने कोच को उठाकर दूसरी रीजन में भेज दिया जिस रीजन में आपने भेजा हुआ है सदन पंजाब जिसका कोच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कोचेस इन पाकिस्तान अब्दुल रहमान और उन्होंने एक साउथ साउथ पंजाब में एक अपनी टीम बिल्ड की जिस तरह उनका कम हुआ नेशनल टी ट्वेंटी कप के अंदर कि वो कहाँ से फाइनल तक पहुँचे दैट वॉज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट अगैन यूजिंग रिलेटिवली यंगर प्लेयर्स उन्होंने जो कप्तानी अपनी दी टीम की वो शान मसूद के पास कप्तानी थी वाइस कप्तान जो थे वो हुसैन तलत को बनाया गया एक आइडियोलॉजी आई कि अगले तीन चार साल का ये प्लान है और क्या हुआ कि उनको भी आप शिफ्ट करके केपी ले गए के पी ए कोच अब्दुल रजा को आप सेंट्रल पंजाब में बल्कि इसकी क्योंकि अगर आप सबके लिए ये जरा मुश्किल हो जाए ये सारा कुछ समझना तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने साथ साथ रखें आ, ये अब्दुलमान साहब इस वक्त बल्कि इनफैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर भी होंगे लेकिन ये तो इनकी आई थिंक बाग स्टैलियंस वाली अपॉइंटमेंट वाली थी बट अब्दुलहमान साहब मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर दूँ सदन पंजाब से के पी गए हैं अब्दुलरहमान साहब विच आइट टू बी ऑनस्ट विद यू टेक्निकली मेरे नज़दीक वो इतनी बुरी डिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि अब्दुलरमान साहब उस इलाके के हैं और उस इलाके के साथ हमेशा मनसूब रहे हैं पेशावर के साथ भी उन्होंने बड़ा काम किया था बट आई नो वॉट यू टॉकिंग अबाट लेकिन मैं जस्ट क्विकली जस्ट रनिंग बाय अब्दुलरजाक साहब जो KP के पी के हेड कोच थे और तमाम तर टाइटल्स जीते थे वो अब आ गए हैं सेंट्रल पंजाब में सेंट्रल पंजाब के हेड कोच शाहिद अनवर साहब वो मूव कर गए हैं सदन पंजाब बासित अली साहब जो सिंध के हेड कोच हैं वो अपनी सीट पर बरकरार रहे हैं फैसल इकबाल साहब जो बलोचिस्तान के हेड कोच हैं वो अपनी सीट पर बरकरार रहे हैं और नॉर्दन के हेड कोच पहले मोहम्मद वसीम साहब थे बट जब से वो आ, चीफ सेलेक्टर लगे थे तब तब तक तब से वो पोस्ट जो थी वो एम थी आई बिलीव बल्कि मसरूर प्रॉबली yeah. मसरूर साहब वॉज हेल्पिंग आउट एज़ फार इज द ड्यूटीज़ ऑफ कंसर्न और वहाँ पर अब एजाज अहमद जूनियर अपॉइंट हुए एजाज अहमद जूनियर साहब वो जो पहले साल सेंट्रल uh, पंजाब की तरफ से टाइटल्स जीते थे फॉर सेंट्रल पंजाब सो ही इज़ मेड रिटर्न इन टू द फर्स्ट एवन सो दिस इज़ जस्ट अ कन्फ्यूजिंग सेमरी बट अमरी अब देखिए आपने बात की कि अभी प्लेयर्स के ट्रेड हो रहे हैं हम उसको नहीं डिस्कस कर सकते स्पेसिफिक प्लेयर ट्रेड्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा लेकिन जो न्यूज़ सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि काफ़ी प्लेयर जो हैं वो जिधर पिछले साल वो सक्सेसफुल रहे उनको चेंज करके दूसरी टीमों में भेजा जा रहा है आप मुझे कोई ये समझा दे कि अगर आपका एक प्लेयर एक रीजन से सक्सेसफुल रहा है तो ही शुड वाई शुड ही नॉट कंटिन्यू प्लेइंग फॉर दैट रीजन क्योंकि अगर वो वहाँ पर कंफर्टेबल है और अगर आपने उसको नेशनल टीम के लिए डेवलप करना है तो उसको वहाँ पे खेलना चाहिए और अगर उसको आपने ट्रांसफ़र करना है कहीं तो उसे पूछ तो लें प्लेयर से पूछा नहीं जा रहा ये दुनिया में कौन से प्रोफेशन में होता है कि, दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप मुल्तान के लिए काम कर रहे हैं कल को आपको बगैर बताए आपको कह देंगे जी आपको हमने पिशा और जलमिया इस्लाबाद यूनाइटेड या किसी फ्रेंचाइज में कर दिया और आपको पता ही ना हो एंड यू हैव नो चॉइस या आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ अगर आप डॉक्टर हैं आप एक हॉस्पिटल में काम करें लेकिन आपको कॉल आए कि यार आप तुम दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हो आप पूछो पे वगैरह क्या मैं निगोसिएट करूँ उन्होंने कहा नहीं जी हो गया आपसे नहीं पूछेंगे दट डजेंट हैपन इन एनी प्रोफेशन सो आई अंडरस्टैंड अंडरस्टेंड आई थिंक सरकारी इदारों में तो यूं तो बादले हो जाते होते हैं <laughs> लेकिन वो, इद, वो इदारा देखें उस इदारे का आपस में कंपटीशन नहीं है अभी अभी तो हमने खैर वैसे क्योंकि ज्यादा डिटेल में स्टडी किया नहीं लेकिन जब से इन रीजन के अपने अपने बोर्ड बने है, या um, yeah, uh, जो भी एसोसिएशन बनी है उसमें हमें ये भी नहीं पता ना कि वो जो बोर्ड हैं उनकी कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है कितनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हर बोर्ड की अपनी विजन ओ के अपने रीजन से मैं अपने रीजन के लड़के ज्यादा खिलाना चाहता हूँ उस इलाके से ज्यादा लोग आपकी कोई बारह तेरह चौदह टीमें होती है आपकी टीमें हैं ठीक है छः टीमों का मतलब यह है कि अगर आप पंजाब को और सिंध को आप सिर्फ कहेंगे जी अपने लोकल्स खिलाने हैं उन्होंने तो उनके कितने हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो ग्यारह में नहीं खेलेंगे और वो फिर उनकी वो सरप्लस टू रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए कोई टीम नहीं बचेगी क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सदन पंजाब और के -पी के लोग जो हैं वो अपनी टीम्स में ही खेलेंगे क्योंकि अगर हम पिछले साल की टीम का मुजन करें yeah. तो आई थिंक दिस दिस इज दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि जब हम सुनते हैं कि सिंध वर्सेस बलूचिस्तान है या बलूचिस्तान की टीम है तो हम समझते हैं कि अच्छा यहाँ पे बलूचिस्तान का टैलेंट पूल बन रहा है यहाँ पे uh, सिंध का टैलेंट पूल बन रहा है या के का बन रहा है या सोन एंड सोफोत जबकि जब आप इनकी टीम्स को डिटेल में स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि ठीक है सिंध वॉज प्रोडामेंटली आई थिंक मोस्टली फ्राम सिंध मोस्टली फ्राम सिंध लेकिन अगर आप नॉर्दर्न को देखें तो नॉर्दर्न वॉज अ मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स फ्राम ऑल ओवर सिमिलरली अगर आप बलोचिस्तान को देखें तो बलोचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पंजाब के खिलाड़ी खेल रहे yeah. थे क्योंकि वहाँ पर भी इस वक्त उस तरीके से टैलेंट पूल अवेलेबल ही नहीं है अगर आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने रीजन के ही खाली खिलाड़ी उठाने को तो इट विल बी अ वेरी लॉप साइडेड जो आप जो आपका आपका मकसद ये था ना छी में हमने इसलिए क्रिएट करनी है कंपटीशन इंक्रीज़ हो कंपटीशन किस तरह इंक्रीज़ होगा जब आपको पता है कि आपके जो दो मेजर सेंटर्स हैं विच इज़ विच इज़ कराची लाहौर आपके जो दो मेजर सेंटर्स हैं अगर प्लेयर कोई किसी और रीजन से आता भी है तो वो अर्ली एज के अंदर वो कराची या लौट जाता है अपनी क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए ठीक है uh, उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं यूनस ख़ान इज़ वन एग्ज़ाम्पल लाला इज़ वन एग्ज़ाम्पल उसके अलावा यू नो इवन सामान लाइक ए शान मसूद वो ऑल्सो Uh, जो है वो uh, कराची के साथ उनकी एसोसिएशन नहीं बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट देयर तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि सारा जब आपका टैलेंट पूल दो एक दो रीजनस के पास चला जाएगा तो कॉम्पिटिशन तो नहीं रहेगा जहाँ तक बात है कि लोकल टैलेंट प्रोड्यूस करना लोकल टैलेंट प्रोड्यूस करना अंडर 19, अंडर 15 टीम का काम है आपकी बी टीम का काम है आपकी जो ऊपर वाली टीम्स अगर आपने छः टीमें रखी हैं कि आप एक साइड पर यह कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मॉडल में ये नहीं होता कि उनकी जो टॉप टीयर टीम है जो उनकी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं वो सिर्फ अपने एरिया से नहीं आते उनके प्लेयर्स उनकी ट्रांसफर होती है और सबसे बड़ी बात प्लेयर से पूछा जाता है ठीक है ये मुझे आई मीन बातेंट आई टू यूज दिस वर्ड बट इट एक्ट इट एक्चुअली मेक सेंस नाउ कि इट्स ऑलमोस्ट अ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कि आप किसी को पूछे बगैर ठीक <laughs> है नो बट या दिस इज दिस इज वेरी लाइक आप किसी इंसान को उसकी मर्जी के बगैर किस तरह मूव कर सकते हैं दैट इज माय क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर, याँ पर मैं आप पूछते, पूछते हैं कि जी प्लेयर्स छोड़ के क्यों चले जाते हैं या समी असलम क्यों छोड़ के अमेरिका गए या बाकी प्लेयर्स इनको इस वक्त ऑफर्स आ रहे हैं और मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रही हैं इस वक्त यूएस क्रिकेट से और uh, जो आपके एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड्स हैं और अगर आप अपना ये पाकिस्तान डजन गेट दर एक्ट टुगेदर तो आपका इतना ज़्यादा टैलेंट पूल है जो कि बिटवीन द एज ऑफ फ्लेट्स से 20 टू 28 यू विल लूज़ आउट ऑन देम आप कभी उनको डोमेस्टिक खेलते भी नहीं देखेंगे फिर आपको एकदम रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड दिस दिस इज़ अ रियली गुड प्लेयर जो आपने ऑलरेडी आपके सामने एक्जाम्पल्स हैं कि इमरान ताहिर वन ऑफ़ माई फेवरेट एक्जाम्पल्स डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी देर खेले उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका जाके खेलना पड़ा ही बिकेम वन ऑफ़ द बेस्ट बेस्ट ball मैं yeah. तो इस बात का ओपिनियन uh, रखता हूँ uh, वक्त हो रहा है ब्रेक का लेकिन मैं रिहान की बात को मतलब थोड़ा सा सिम्पलीफाई करूँ तो वो ये है कि देखें जो आपकी जो आपकी जो फर्स्ट टॉप्टलेव होती हैं हैव टू बी कम्पेटिव दे हैव टू बी मतलब आप उसमें से क्रीम ऑफ द क्रॉप को ड्राफ्ट करें सारा कुछ करें इट इज़ दैकेंड अंडर दंडर एंड दी अदर टीम्स वे जहाँ पर आपको लोकल टैलेंट को फ्लरिश करना चाहिए ताकि वो उतना स्ट्रॉग हो कि वो फिर अपनी जगह बनाए इं टू द फर्स्ट एलेवन और ये जो बात करें कि बाप बगैर बात किए बग़ैर प्लेयर से मशावरत के उसे अगर मूव कर दिया जाता है तो ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक कोच के साथ या एक सिस्टम में एक प्लेयर अपनी पोजिशन पर खेल रहा होता है मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर सुहेब मकसूद को पिछला पूरा साल नंबर तीन पे खिलाया गया बाय सदन पंजाब तो वो आपको तो पता है कि पाकिस्तान में तो वो मोस्टली मिडिल टू लोअर मिडिल ऑर्डर खेलते रहे हैं तो जब वो कोई दूसरे कोच के पास जाएंगे हाइपोथेटिकली तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे नंबर तीन पर या उस पोजीशन पे खिलाए जिस पर शोब मकसूद अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है ही विल हैव टू प्रूव हिम सेल्फ वंस मोर टू दैट वाली बात तो बाद में आती है आप देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लेट से आप एक हाई क्वालिटी एक प्लेयर है ठीक है लेट हो ठीक है चलें आप एक हाई क्वालिटी प्लेयर हैं ठीक है आपने एक टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया अब आपको सडनली ये पता चलता है कि मैं इस टीम में नहीं मैं दूसरी टीम में जा रहा जाना ठीक है एटलीस्ट उसको ये राइट तो दें कि वो दूसरी टीम से नेगोशिएट कर सके कि यार ओके फाइन आई विल कम टू योर टीम मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मेरा ये रोल होगा मैं खेलूंगा मीट मी नॉट सेइंग कि मेरी हर बात मानो मीट मी हाफ वे आप तो ये है कि जो आप बेसिकली आपके जो बिगेस्ट मैं बार बार कहता हूँ किसी भी स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्स मैन है दे आर योर एसेट्स ठीक हो गया ठीक है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं आप और मैं दोनों क्रिकेट में काम करते हैं हम स्टार्स नहीं हैं हम स्टार्स क्रिकेटर्स हैं जब तक उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी जब तक उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा देर इज नो वे कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस आपके पास आएगी